ये क्या, ये तो बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट नोटिफिकेशन आज चौंका दिया, बिहार स्टेट का नोटिफिकेशन निकाल के। ठीक है, अब आप देखिए यहाँ पे इन्होंने क्या लिखा है कि बिहार विद्यालय परीक्षा समिति पटना विज्ञप्ति संख्या PR 224/2023 माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा स्टेट 2023 के आयोजन एवं उक्त परीक्षा में सम्मिलित होने हेतु आवेदन पत्र भरे जाने के संबंध में इच्छुक अभ्यर्थियों के लिए। ठीक है, देखिए एस्टेट का नोटिफिकेशन जारी कराया है इन्होंने। अब एस्टेट के एग्जाम मैं आपको बता दूं, अभी थोड़े दिन पहले जब स्कूल टीचर रिक्रूटमेंट का एग्जामिनेशन शुरू हुआ था, स्कूल टीचर रिक्रूटमेंट का एग्जामिनेशन बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन ने रिलीज कराया, तो आप देखिए उसमें उन्होंने ये बोला कि अगर आपके पास एस्टेट की एलिजिबिलिटी है तभी आप जूनियर और सेकेंडरी और हायर सेकेंडरी में आप अप्लाई कर पाएंगे। अगर यही एग्जाम आप फॉर्म से पहले करा देते तो क्या होता, जिनको क्वालिफाई होना था वो क्वालिफाई हो जाते और बाद में एग्जाम देते। अब मैं आपको क्लियर बताता हूँ क्या यहाँ पे कोर्ट केस होगा, कोर्ट केस हो सकता है। इन्होंने बहुत चालाकी से अपने पूरे नोटिफिकेशन में ये लिखा था कि अगर आप अपियरिंग हैं, मतलब पास, जब आपका सिलेक्शन हो जाएगा तब आपके पास ये डिग्री होनी चाहिए। ठीक है, तो अगर उस समय किसी ने ये फॉर्म फिल कर दिया था तब, और एस्टेट क्लियर करने के बाद वो क्लियर हो जाएगा। ठीक है, चलो देखते हैं आयोग क्या दांव पेच लगाता है। कैंडिडेट्स हैं, बहुत सारे कैंडिडेट्स हैं। देखिए जो पात्रता परीक्षा है वो ऑब्जेक्टिव होगी, प्रत्येक प्रश्न एक नंबर का होगा, निगेटिव मार्किंग नहीं होगी। हिंदी, उर्दू, बंगला, मैथिली, संस्कृत, अरबी, फारसी, भोजपुरी, ये हमारे जो सामान्य विषय हैं। ठीक है, इसमें इन्होंने ये बोला है कि स्नातक होना चाहिए 50% बीएड के साथ। ठीक है, और शारीरिक शिक्षा में आपके पास ये विकल्पता होना चाहिए। और आप देखिए यहाँ पे संगीत विषय में, ललित कला विषय में, विशेष अध्यापक में विषय में, ठीक है, और कौन कौन से, ये माध्यमिक के सब्जेक्ट्स हैं। ठीक है, माध्यमिक में इतने सब्जेक्ट्स इन्होंने रखे हैं। ठीक है, और जब मैं हायर सेकेंडरी की बात करता हूँ तो हायर सेकेंडरी में इन्होंने हिंदी, उर्दू, इंग्लिश, संस्कृत, बंगला, मैथिली, अरबी, मगही, फारसी, भोजपुरी, पाली, प्राकृतिक, गणित, भौतिक विज्ञान, रसायन शास्त्र, जीव विज्ञान, इतिहास, भूगोल, राजनीति शास्त्र, समाज शास्त्र, अर्थशास्त्र, दर्शन शास्त्र, मनोविज्ञान और गृह विज्ञान, इतने सब्जेक्ट्स का एग्जाम होगा। वाणिज्य, कंप्यूटर साइंस। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे इन्होंने कंप्यूटर साइंस के साथ ये बोला है कि आपको बीटेक अगर आप हैं तब भी चल जाएगा, और बीएड की जरूरत नहीं है। कृषि विज्ञान, संगीत विषय, लेकिन पोस्ट ग्रेजुएशन होना चाहिए। फिजिक्स के लिए फिजिक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स, अप्लाइड फिजिक्स, न्यूक्लियर फिजिक्स, केमिस्ट्री के लिए केमिस्ट्री, बायो केमिस्ट्री, इकोनॉमिक्स के लिए इकोनॉमिक्स, अप्लाइड इकोनॉमिक, बिजनेस स्ट्रैंड। ठीक है, तो आपका पोस्ट ग्रेजुएट होना चाहिए। ठीक है, ध्यान से, और बीएड एमएड है तो दैट इज इंपॉर्टेंट। ठीक है, बीएड तो कंपलसरी कर ही रखा है। ठीक है, अब आप एक चीज यहां पे देखिए, सिंपल सिंपल से देखिए कि इन्होंने ये बोला है कि जो एस्टेट का रिजल्ट है वो लाइफ टाइम वैलिड होगा। ठीक है, एस्टेट पेपर 1 के विषय हिंदी, अंग्रेजी, गणित विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, संस्कृत एवं उर्दू, एस्टेट पेपर 2 के विषय अंग्रेजी, गणित, भौतिकी, रसायन शास्त्र, प्राणी शास्त्र, मतलब ये होंगे। ठीक है, इन विषयों के अभ्यर्थियों की अधिकतम आयु सीमा में छूट देय नहीं होंगी। जिनके लिए 2019 और 2022 में आयोजित की गई थी उन एज में इन्होंने छूट नहीं दी है। ठीक है, और मैं यहाँ पे बता दूं कि जो उत्तीर्णांक है, जनरल के लिए 50%, ओबीसी के लिए 45%, अत्यंत पिछड़ा वर्ग 42.5%, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति 40%, दिव्यांग के लिए 40% और महिलाओं के लिए 40%। तो माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा पेपर 1 एवं पेपर 2 में उत्तीर्ण सभी अभ्यर्थियों को उत्तीर्ण प्रमाण पत्र निर्गत किया जाएगा।
इसकी वैलिडिटी लाइफ टाइम होगी। और फीस अगर आप पेपर वन या पेपर टू देते हैं तो 980 रुपये, और पेपर वन और पेपर टू दोनों देते हैं तो 1440 रुपये। और नॉर्मलाइजेशन, और अगर ज़्यादा एक से ज़्यादा शिफ्ट में एग्जाम हुआ तो नॉर्मलाइजेशन फॉलो किया जाएगा, ठीक है। तो प्रवेश परीक्षा की कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, ठीक है, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा। नौ अगस्त 2023 से शाम को 4:30 बजे से 23 अगस्त 2023 तक स्वीकार किए जाएंगे, ठीक है। और आप ऑनलाइन एग्जामिनेशन फॉलो कर सकते हैं, ठीक है। और बाकी डिटेल जो इंस्ट्रक्शंस हैं वो तो आपको पता ही चल जाएंगी। देखिए मैं आपको थोड़ा सा क्लियर कर देता हूँ कि जो बिहार स्टेट का एग्जामिनेशन है उसका नोटिफिकेशन एग्जाम के ठीक पहले आना, और जिस दिन पेपर है उसके ठीक एक दिन पहले तक एप्लीकेशन लेना, और दिस इज अ वेरी गेम चेंजर। जिन्होंने फॉर्म अप्लाई कर दिया और जिन्होंने फॉर्म नहीं अप्लाई किया उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज होने वाली है, ठीक है। देखिए गवर्नमेंट की अपनी डिसीजंस होते हैं, तो बिहार स्टेट का एग्जामिनेशन आ गया है, आप लोग फॉर्म फिल करिए। कोर्ट केस होता है, क्या होता है वो तो बाद की बात देखी जाएगी, ठीक है। इंफॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, इंफॉर्मेशन को शेयर जरूर कर दीजिएगा, और मिलते हैं अगले वीडियो में।